जयकारा झंडे वाली का। वेलकम बैक टू माय चैनल विनीत तवारा। हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो अच्छे हो। सो गाइस, आज है दुर्गा अष्टमी और हमारी अष्टमी होती है किसी चीज़ के नौमी होती है, बट हमारी अष्टमी होती है और बस सारी तैयारी हो चुकी है, हलवा बनाना बाकी है। बस हलवा बनाती हूँ और ये छील रहे नारियल और फिर पूजा करेंगे। और हर्षित सो रहा है, उठी नहीं ना, मैं तो ऊँचा पूजा करनी है। तो गाइस ये नारियल ऐसा निकला है, हम सोचते ना खराब होता है नारियल, लेकिन एक्चुअली जो ऐसा निकलता है ना वो भोग लगा लेती है माता रानी। हाँ, भोग लगा लेती है माता रानी, इसका ये मतलब होता है। तो गाइस हम सोचते ना कि खराब निकला है, अंदर से ये निकला है, लेकिन नहीं, वो नारियल का माता रानी एक्चुअली ही भोग लगाती हैं। वो भोग लग गया, इसका मतलब है हमारा नारियल का। और ये था पिन्नी वाला नारियल हमारा कल का, क्योंकि पिन्नी वाला भी है और नवरात्रि वाला भी है, तो दोनों ही छील रहे हैं भैया। हर्षित ऐसे उठना नहीं होता बेटा, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, उठ जाओ जल्दी। और यहाँ मेरा रह गया है हलवा ओनली, ये चने तैयार है हमारे। वाह, गरम 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 गरम। और ये आलू गोभी नहीं, आटा भी गुन चुका है। और ये है आलू गोभी हमारी, बस हमारी सब तैयारी हो चुकी है, हलवा चने का प्रसाद पूरियां सब चीज बन चुकी है। और आज का भोग दिखाती हूँ मैं, क्या है आज का भोग माता रानी का। आज का भोग है शरीफा और नारियल माता का भोग है आज का। शरीफा ये होता है शरीफा, मैं फर्स्ट टाइम लाया हम भी है ना इसको। तो आज का भोग ये है माता रानी का। जय माता दी। जल्दी से सूट चेंज करती हूँ, फिर आरती करेंगे माता रानी की। और गाइज यहाँ पर हमने माता रानी का प्रसाद तैयार करके रख दिया है। वो इसलिए कहते हैं कि हलवा गर्म होता है ना, तो फिर बच्चों को फिर ये होता है कि गर्म गर्म पकड़ नहीं पाते, इसलिए एसी चला के पंखा चला के हमने थोड़ा सा ठंडा कर दिया प्रसाद। तो गाइज बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब करते हैं माता रानी की आरती। जय माता दी। हमने आरती कर ली माता रानी की, थोड़ा सा अजीब सा भी लग, थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। माता रानी तो कह रही है ये मंदिर में विराजेंगी, बट ये ना कि स्पेशल रोज पूजा होती थी माता रानी की, बिल्कुल मतलब सामने रहती थी माता रानी, हर सोते उठते बैठते सामने दिखती थी। तो बस चलो कोई बात नहीं। और गाइस जब बुला के लाती हूँ कंजकों को, भाई बड़ी मुश्किल से बच्चों को घेरना पड़ता है, क्योंकि आज बच्चे बहुत ज्यादा वाली भी हैं हमारे कंजक, छोटे छोटे कंजक, तो बुला के लाते हैं उन्हें नीचे से। इस बच्चे आ चुके हैं, एक बार जयकारा बोल दो। जयकारा झंडे वाली का। हाँ, जो जिसने नहीं लिया है वो अंदर आ जाओ, जिसने प्रसाद नहीं लिया है वो अंदर आ जाओ। आप यहीं बैठो। जयकारा शेरा वाली का। जोरी से बोलो, सारी बोलो, ऊंचा बोलो।
छोटी छोटी कान जग, छोटी छोटी कान जग, दे रही हूँ पहले निकल, जो रह गया रुक जाओ। तो गाइज यहाँ की कंजक भी बैठ गई और अब जाते हैं मंदिर, माता की चुन्नी प्रसाद सब लेके मंदिर चढ़ा के आएंगे प्रसाद। तो गाइज प्रसाद ले लेते हैं। गाइज मिल चुका है हमें प्रसाद माता रानी का। प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है मंदिर में और अब चलते हैं घर। तो गाइस घर आ गया और अब बनाएंगे खाना और प्रसाद। पहले माता रानी को भोग लगाएंगे फिर खाऊंगी, पहले इनको खिलाऊंगी क्योंकि खाना खाने के बाद ना फिर भाई सब टाइट फेस हो जाती है तो एनर्जी लेवल रहता ही नहीं है। तो गाइस माता रानी का भोग लगा दिया है, बनाएंगे आलू गोभी सब्जी, रायता, हलवा, चने का प्रसाद और पूरी। और अब खाती हूँ, बहुत तेज से भूख लग रही है। पहले माता रानी को भोग लगाया, खा ले तू भी। तो गाइस व्रत रख के तो मतलब, और व्रत रख के नहीं व्रत खोल के तो ऐसा हो जाता शरीर भाई। ये कह रहे थे तू व्रत खोलेगी टाइम हो जाएगी, मैंने कहा टाइम नहीं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। दो या तीन पूरी खाई थी मैंने, उससे खाते ही सिर दर्द, मतलब रसोई का काम निपटाना मुश्किल हो गया। और मैं तो फिर लेट गई, सारा काम समेट के लेट गई। मैंने कहा भाई मैं तो लेट रही हूँ, हर्षु अब तू देख लिए तो, बल्कि कूड़े वाला है, कूड़ा भी यही डाल के आया हर्षिती। और फिर मैं उठी दोपहर को, ध्यान आया कि हलवा चने रखे हैं रसोई में, वो कहीं ख़राब हो जाएंगे। उठी और फिर वो फ्रिज में रखे, मैं कह रहा मम्मी इसलिए उठे थे। मैंने कहा हाँ बेटा, तो यही है गाइस, मतलब 5-6 दिन से नहीं खाओ ना खाना तो कुछ नहीं होता। ऐसी नवरात्रों में हो रहा था व्रत में, व्रत पूरे दिन सही था और जहाँ व्रत खोला ना फिर अजीब से 2-1 घंटे को अजीब सा हो जाता शरीर। तो आज ना मंदिर तो लगा हुआ लेकिन मंदिर ना सुना सुना सा लग रहा है, जो ज्योत की चमक होती है ना वो पूजा करने के बाद चली जाती है गाइस। ये अष्टमी करने के बाद, कंजक करने के बाद ना ज्योत चली जाती है, मतलब जो चमक होती है ना वो नहीं रहती माता के मंदिर में, है ना हर्षित, है ना, जो रोज चमकती ना वो नहीं रहती मंदिर में। पूजा अभी भी करी है हमने, पूजा कल भी करेंगे नवमी की, लेकिन वो चीज़ नहीं बात नहीं रहती। तो चलो हैं, पता नहीं क्यों। और हर्षित को फिर से हो गया फीवर, सो रहा था तो मम्मी पंखा बंद कर दो ठंड लग रही है मुझे, फीवर हो रहा है। तो भाई मैंने कहा पूरे कपड़े पहन वहन के रहो, और इसको अब फीवर हो रहा है ना, देखो तेरा यही है, इसको ना गर्मियों में सर्दियों के कपड़े अच्छे लगते हैं, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े अच्छे लगते हैं। चलिए तो फुल बाजू की है, कोई बात नहीं, चल अच्छी बात है, पहन ले, पतली है तो पतली है, हाँ चल कोई नहीं। दोबारा बुखार चेक कर, कुछ कम हुआ नहीं तो दवाई दू तुझे मैं, दवाई दूंगी चेक कर बुखार बेटा। आज क्योंकि संडे है तो कोई डॉक्टर तो होगा नहीं, मैंने कहा क्रोसिन ले ले, कल भी मैंने क्रोसिन दी उसको और फिर 4 घंटे बाद रात को दी सोते हुए, मैंने कहा क्रोसिन खा के सो जा। तो दिन में तो सही था, ये गिरा गिरा शरीर हो रहा था लेकिन आप फिर शाम को हो गया इसको फीवर, सो कल दिला के लाऊंगी इसको दवाई, ठीक है बेटा। और अभी फिलहाल मैं लगाती हूँ गाइस मशीन, क्योंकि अभी मुझे टाइम है, खाना बना रखा है, सब्जी बनी रखी है एक्चुअली, और बस फुल्की वगैरह बना दूंगी। और अभी कल लगा ली तो मशीन तो आराम से कपड़े धुल जाएंगे हमारे, तो लगाते मशीन। ये कभी खाया नहीं मैंने, पता नहीं कैसा होगा इसका टेस्ट। ओए ये कैसा है पता नहीं, बदबू आ रही है। नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा अभी, पता नहीं कैसे खाए जा रहे हो। तो गाइस कपड़े वगैरह धुल गए और हम जा रहे हैं अब रामलीला देखने, रामलीला की सवारी देखने जा रहे हैं। और गली के बाहर तक हम पैदल निकलते हैं, गली बहुत खराब हो रही है, हमारी टूट रही है सारी गैस पाइपलाइन अच्छी थी उसके चक्कर में, तो डर लगता है स्कूटी पे ना थोड़ा सा।
पीछे निकलती हैं, पहले निकलती थी कम से कम 10-15 और आधा घंटा लगता था निकलने में, तो बहुत सारे निकल गए। नाम की चीज़ें रह गई गाइस अब। और फिर गए हम सीवरी ग्राउंड, मैंने कैसे कपड़े पहना के सीवरी ग्राउंड ले जा रहा हूँ गरबा दिखाने। बट हाँ, इतना जाम था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी एंट्री करने में। तो वापस आ गए, घूम घाम कर वापस आ गए और अब चल रहे हैं घर। गाड़ी थक जाती क्योंकि ना सीवर टूटा हुआ, उसमें ना ईंटें भर रखी हैं, तो बॉड एक साथ ही गाड़ी ना एक साथ जाती है धक्के से नीचे। तो हम पहले उतर जाते हैं, मैं पहले उतर जा, रुक जा। तो गाइस जी देखने गए थे रामलीला, बस रामलीला में जाना बेकार है जी, हम तो बस एंट्री करते हैं और एग्जिट हो जाते हैं, इतनी भीड़ होती है ना वहाँ पे। अगर लाइन में भीड़ है तो हम नहीं जाते, अगर लाइन खाली है तो चले जाते हैं अंदर, क्योंकि अंदर फिर बहुत ज़्यादा वाली भीड़ होती है। हर्षित झूले झूलते नहीं है, हमें झूले झूले नहीं झूले जाते। और रामलीला भी क्या ही देखो, इतनी भीड़ में खड़े होकर तो बेकार ही, बस ये है हम बाहर निकल जाते। अस तो वो अभी नहीं गई, बस सवारियाँ देखी, झांकियाँ देखी, वो झांकियाँ भी 4-5 ही थी बस। पहले तो निकलती थी बहुत बहुत सारी, लेकिन अब तो 4-5 ही निकलती बस। ये है हम देखी और आ गए बस। फिर हाँ, ये गए चल सिमरी ग्राउंड चलते हैं, मैं कपड़े कैसे पहन रखे हैं। लेकिन वहाँ भी ना इतना रश था, इतना रश था, मतलब अंदर एंट्री ही नहीं कर पाए अंदर क्या, हम तो मतलब रोड पे भी नहीं एंट्री कर पाए, ये लगा लो बाहर की बाहर से। फिर आ गए हम घर, आ गए और बस घर आके इन्होंने खाना खाया, खाना भी नहीं खा के गए थे, तो बस खाना वाना खाया और बर्तन वगैरह समेट किचन समेटा। और गाइस कल है नौमी और कल है माता का भोग। कल का भोग क्या है, कल का भोग है संतरा और सफ़ेद तिल, शायद नहीं शायद, हाँ गाइस संतरा और सफ़ेद तिल का भोग है कल माता रानी का नौमी का। तो तिल मंगा ली मैंने, संतरे सुबह ले आएंगे और बस जोत भी हो गई ठंडी गाइस। ये लगा मतलब जब कंजप कर देते ना उसके बाद मंदिर की मतलब थोड़ी सी ना वो चल जाती है, रौनक से चल जाती है, होता ही है गाइस ये। तो एक तरह से कहते हैं ना माता पिता हो गई, लेकिन मंदिर तो हमारा लगा था शरीर तक। और कल भी हम नवमी में पूजा भी करेंगे माता रानी की, क्योंकि माता तो नौ ही होती हैं। तो हाँ, तो बस गाइस चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स कर देना हमारे वीडियो आपको कैसे लगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी।